दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत चीन युद्ध की। कल हमने आपको बताया था कि आदेश मिलने के बावजूद जसवंत सिंह ने वापस लौटने से इनकार कर दिया और मोर्चे पोस्ट पर डटे रहे। अब पोस्ट पर गढ़वाल राइफल के सिर्फ 3 जवान, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई थे। इस वक्त जसवंत सिंह रावत ने एक कड़ा और अदम्य फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो वापस नहीं जाएंगे, और उन्होंने लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई को वापस भेज दिया और खुद नूरा नांग की पोस्ट पर तैनात होकर दुश्मनों को आगे ना बढ़ने देने का फैसला किया। जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही 72 घंटों तक चीन के 300 दुश्मनों को मौत के घाट उतारा और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। ये उनकी सूझबूझ के कारण ही संभव हो सका, क्योंकि उन्होंने पोस्ट की अलग अलग जगहों पर राइफल तैनात कर दी थी और कुछ इस तरह से फायरिंग कर रहे थे कि चीन की सेना को लग रहा था कि यहाँ पूरी की पूरी बटालियन मौजूद है। इस बीच रावत के लिए खाने पीने का सामान और उनकी रसद आपूर्ति वहां की दो बहनों शैला और नूरा ने की, जिनकी शहादत को भी कम नहीं आंका जा सकता। 72 घंटे तक चीन की सेना ये समझ ही नहीं पाई कि उनके सामने लड़ने वाला एक अकेला सैनिक है। फिर 3 दिनों बाद जब नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया तो उन्होंने इधर से रसद आपूर्ति करने वाली शैला पर ग्रेनेड से हमला किया और वीरांगना शैला शहीद हो गई, और उसके बाद उन्होंने नूरा को भी मार दिया। और इतनी बड़ी शहादत को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए आज भी नूर नाग में भारत की अंतिम सीमा पर 2 पहाड़ियां हैं जिनको नूरा और शैला के नाम से जाना जाता है। इसके बावजूद भी जसवंत सिंह रावत दुश्मनों से लड़ते रहे, पर रसद आपूर्ति की कड़ी कमजोरी पड़ गई थी। और फिर जसवंत सिंह ने 17 नवंबर 1962 को खुद को गोली मारकर अपने प्राण न्योछावर कर दिए और भारत मां की गोद में हमेशा के लिए अमर हो गए। क्या किया फिर चीनी सैनिकों ने? फिर जब चीनी सैनिकों ने देखा कि वो 3 दिन से एक ही सिपाही के साथ लड़ रहे थे तो वो भी हैरान रह गए। वो जसवंत सिंह रावत का सर काट कर अपने देश ले गए। 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह की इस साहसिक बहादुरी को देखते हुए न सिर्फ जसवंत सिंह का शीश वापस लौटाया, बल्कि सम्मान स्वरूप एक कांस की बनी हुई जसवंत सिंह की मूर्ति भी भेंट की।